नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ भारत चीन में युद्ध जैसे हालात चल रहे, तो दूसरी तरफ लोग अपने अपने फायदे के लिए इन दोनों देशों के साथ हैं। अमेरिका अपने फायदे के लिए भारत की हां में हां मिला रहा है और चीन को खरी खोटी सुना रहा है। इसी बीच इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक जम्मू कश्मीर पर आज होने जा रही। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की हालिया स्थिति पर चर्चा होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप जम्मू कश्मीर के लिए 1994 में बना था। इस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के सदस्य हैं अजरबैजान, निजेर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। OIC के महासचिव डॉक्टर यूसुफ अल उथैमीन ने कहा है कि ये बैठक जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के बैठकों की कड़ी की एक और बैठक है। इसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ पर कुछ पुरानी बातें आपको बताते चलें कि भारत और सऊदी के व्यापक साझे हित हैं और सऊदी अरब कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बोलने से बचता रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने पर भी सऊदी अरब ने कोई बयान नहीं जारी किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने तो यहां तक कह दिया था कि ये भारत का आंतरिक मुद्दा है। सऊदी अरब और UAE के इस रुख को पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा था और भारत की कूटनीतिक कामयाबी। लेकिन एक बार फिर OIC में इस तरह की बैठक होना, पाकिस्तान इसे अपनी कामयाबी से जोड़कर देखेगा। इससे पहले पिछले साल सितंबर में ऐसी बैठक हुई थी। कश्मीर पर OIC की तटस्थता को लेकर पाकिस्तान ने तुर्की, मलेशिया, ईरान के साथ गोलबंदी करने की कोशिश की थी। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान के PM इमरान खान ने क्वालालंपुर समिट में एकजुट होने की योजना बनाई थी। लेकिन सऊदी अरब ने इसे OIC को चुनौती के तौर पर देखा, पाकिस्तान को इस मुहिम में शामिल होने से रोक दिया था। तुर्की और मलेशिया कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़े दिखे, जबकि बाकी के इस्लामिक देश तटस्थ रहे थे। हाल के दिनों में मालदीव ने भी OIC में भारत का साथ दिया है। OIC की होने वाली बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के बीच तनाव। सरहद पर भारत के 20 सैनिकों की मौत, नेपाल के साथ भी सीमा पर विवाद चल रहा और पाकिस्तान के साथ तनाव तो पहले से ही। ऐसे में OIC की बैठक काफी अहम मानी जा रही। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर पर OIC के इस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप में सऊदी अरब भी। अगर सऊदी अरब बैठक नहीं चाहता तो शायद ही ये हो पाती। कहा जाता है कि सऊदी अरब के बिना OIC में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर इस बैठक से कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो सऊदी अरब से ही भारत उम्मीद कर सकता है कि वो उस प्रस्ताव की भाषा को किस हद तक संतुलित करवा पाता है। देखना होगा कि क्या होता है। अगर सऊदी अरब ने भारत को झटका दिया तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। देखना होगा कि आगे इस बैठक का रिजल्ट क्या होता है।